मध्य प्रदेश में कई ऐसे मंदिर हैं जो चमत्कारों से भरे हुए हैं, जहां कई मान्यताएं हैं। आज हम आपको नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा के प्रसिद्ध मां हरसिद्धि के चमत्कारी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं जय मां हरसिद्धि के प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर नरसिंहपुर जिले से करीब 60 किलोमीटर दूर तेंदुखेड़ा में स्थित है मां हरसिद्धि का यह प्रसिद्ध मंदिर। यह मंदिर मध्य प्रदेश के मुख्य चमत्कारी मंदिरों में से एक है। यहाँ करीब 500 साल से अखंड ज्योति जल रही है जो हवा चलने पर भी नहीं बुझती। श्रद्धालुओं का मानना है कि इसके दर्शन मात्र से ही हर कष्ट दूर हो जाते हैं। मंदिर में विराजित माँ हरसिद्धि दिन में 3 रूप में दिखाई देती है, सुबह बाल रूप में तो दोपहर में युवा और शाम को वृद्ध अवस्था में मार्गदर्शन देती। यहाँ नवरात्रि में भक्तों का सैलाब उमड़ता है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती है। मंदिर में कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां अपना माथा टेक चुकी हैं। प्रांगण में भोलेनाथ और पंचमुखी हनुमान मंदिर भी मौजूद है। मंदिर के पुजारी बताते हैं यहाँ पर छोटी सी मढ़िया थी, नगरवासियों के सहयोग और दानदाताओं की मदद से हर सिद्धि मंदिर का भव्य निर्माण कराया गया। मंदिर का निर्माण बाहर से आए कलाकारों द्वारा किया गया। माता की महिमा निराली है। माँ हर सिद्धि का चमत्कारी मंदिर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जो भी सच्चे मन से माँ की आराधना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। नवरात्रि के समय यहाँ पर 151 कलशों की स्थापना की जाती है। मंदिर प्रांगण में सुंदरता और कई ऐसी सामग्री है जो बच्चों के लिए खेलने के काम आती है। आपका दीना साईं, मंदिर की क्या विशेषता है? मंदिर की विशेषताएं हैं कि यहाँ पे मैया 3 रूप में दर्शन देती हैं। हम लोग यहाँ सब दर्शन करने आते हैं और ऐसा नहीं कि मतलब कभी कभी, सब लोग आते हैं, डेली आते हैं। डेली यहाँ पे भीड़ लगती है और यहाँ नवरात्रि में भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सब लोग अच्छे से दर्शन करते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पे। वो गल्पसा, मंदिर की क्या विशेषता है? मंदिर की विशेषता माता जी की कृपा है सब, और माता जी आज से नहीं अनादि से, पहले तो छोटो सो मंदिर थो चबूतरे थो, एक ही बाद में माता जी की जब कृपा भाई और चमत्कार उनने आप से आप दिखाओ थे, वही चमत्कार आज देखने के लिए मिल रहा है। शक्तिमान और महा पुराने समय से इस कहानी की, लगभग कितना पुराना ये मंदिर है? जो तो अपने जीवन के स्थान अब हम ये समझ लो 80-82 साल हो गई माता जी के दर्शन करा, दर्शन करा। लोग बताते 500 वर्ष से भी ज़्यादा, 500 वर्ष नहीं 1000 वर्ष को वो तो स्थान है जी। जी हाँ, आज को नहीं है, मंदिर का रूप बदलता रहा है हर बार माता जी ने, जैसे उनको रूप बदल रहा है और दिखा रहा है मानव के लाने भगवान। मानव देखा थे सवेरे, देखा थे तो रूप कश मैया जी का, और देखा थे 12 बजे देखा थे दर्शन करे तो रूप आप से आप उनको बदलाते हैं। तो भावना लेके आदमी मानव कहते कि हमने ऐसा रूप देखा माता जी का, जी चमत्कार वो दिखा रही हैं माता जी। मेरा नाम रामकिशन कुशवाहा है। मंदिर की क्या विशेषताएं हैं? मंदिर की विशेषताएं हैं, हमने देखा भी है और सुना भी है सभी लोग इससे मुख से। यहाँ माता रानी महासिद्धि का मंदिर, विशाल मंदिर आप जो देख रहे हैं, यहाँ मैया 3 रूप धारण करती हैं। सुबह कन्या रूप में आती हैं, दोपहर में वृद्धावस्था में आती हैं, शाम को युवावस्था में आती हैं। यहाँ पे लोग दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं अपनी मन्नतें लेके, और सभी श्रद्धालुओं की, भक्तों की मन्नतें पूर्ण होती हैं। लोगों का बहुत ही लगाव यहाँ से है और यह मंदिर तकरीबन 500 वर्ष पूर्व पुराना है, जो कि पहले एक झाड़ के नीचे थी, फिर एक मड़िया बनी लोगों के सहयोग से या नगर के सहयोग से, फिर एक मंदिर बना था कुछ समय वो रहा, उसके बाद वो जर्जर अवस्था में आ गया। फिर उसके बाद मैं ये विशाल मंदिर आप जो देख रहे हैं, सभी जन सहयोग से, नगर के सहयोग से आज ये आपके सामने दिख रहा है। बहुत विशाल मंदिर का निर्माण हुआ है, बहुत ही पुरानी मान्यता है यहाँ पे माँ हरसिद्धि की। तेंदुखेड़ा से पतिराम पटेल की रिपोर्ट।